नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जैन। मणिपुर के नोनी जिले से एक बड़ी खबर आई है। जी दरअसल यहां आज यानी बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में कई छात्रों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार थम बलून हायर सेकेंडरी स्कूल के यारी पोक के छात्रों को लेकर दो बसें एजुकेशन टूर पर खोपुम की ओर से जा रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। सामने आने वाली रिपोर्ट के माने तो हादसे में 15 छात्रों की मौत की आशंका है। इसी के साथ ही कई छात्रों के घायल होने की भी खबर है। ऐसा बताया जा रहा है कि दुर्घटना लोंग साई तुम्बुम गांव के पास भीषण पूर्ण खोपुम रोड पर हुई है। जी हाँ, और घायल छात्रों को इलाज के लिए इम्फाल के मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं सामने आने वाली रिपोर्ट के अनुसार अब तक 22 छात्रों को लाया गया है। आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरोन सिंह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। जी दरअसल उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर कहा, आज ओल्ड कछार रोड पर स्कूली बच्चों को ले जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। बचाव अभियान से समावने के लिए SDRF मेडिकल टीम और विधायक घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बस में सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ कई मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 8 छात्रों की मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। इसी के साथ ही घटना के पीछे के कारणों का भी अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल घटनास्थल पर छात्रों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।